Hey guys, welcome back to our channel, The Jovial Pedigree. So guys, it is finally 16 December, the day that we all were waiting together for. So, aaj ke din Bangladesh got its independence from Pakistan and aaj wahi cheez hum dekhne wale hain जो आपने अभी तक देखा कि मैं ऑडियोज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, स्टूडियोज़ में जा जाके ये सब चीज़ें कर रही हूँ, आज उसका फाइनल प्रेजेंटेशन है. टुडे इज़ द आउटकम ऑफ हर मेहनत. तो आज मेरी दोनों बहनें आई हैं ये सब देखने के लिए. तो अभी हम चलते हैं, हम वेन्यू पे पहुँच चुके हैं एंड हम देखते हैं कि ऊपर क्या हो रहा है सब कुछ. एंड देन वील कीप यू ट्यून्ड पूरे टाइम तक कि ऊपर क्या हो रहा है एंड कैसा प्रोग्राम होगा. हम आप लोगों के साथ इस प्रोग्राम का क्या बनेंगे, आनंद लेंगे, आनंद लेंगे. चलिए फिर चलते हैं. शहीदों के नाम जो 1971 की वॉर में जिन्होंने पार्टिसिपेट करा और बांग्लादेश को आज़ाद कराया. भैया सर्जिकल स्ट्राइक सुनते हैं वो आपके आगरा में ही पैदा होते हैं, वही कमांडोस कहलाते हैं, वही सर्जिकल स्ट्राइकर्स हैं, वही लोग जाते हैं. बहुत सारी चीजें होती हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आती है, ना मैं लेकर के आना चाहता हूं क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी है भले ही पता हो, लेकिन मैं अपने मुंह से क्यों बताएं हम बॉर्डर पे क्या करते हैं, वो क्या है, कैसा है. लेकिन आसान जिंदगी नहीं है, और बल्कि मैं तो कई बार पेपर लिखकर दे चुका हूं कि यहां से भी लोगों को बॉर्डर पे घुमाने के लिए जाना चाहिए, जिससे कि पता लगे कि वहां की स्थिति क्या है. तो वो उनको गए पकड़, उनको ऑफिस में घुसे तो उनको देखकर तो चीखे कि रावलपिंडी के हरामजादों ने हमें मरवा दिया. ये उनके वर्ड थे जनरल न्याज के, क्योंकि जब उनको पता लग गया कि लाल टोपी यानी कि पैरा ट्रूपर्स अगर पहुंच गए हैं, अब इसके आगे कुछ नहीं हो सकता. कहते हैं कि समय कभी नहीं रुकता, दिन
महीने, साल, फिर साल दर साल ये सफर चलता ही रहता है। लेकिन कोई कोई दिन, कोई कोई तारीख ऐसी होती है जो दिनों के कैलेंडर पर नक्श होकर रह जाती है। ऐसा ही एक दिन है 16 दिसंबर। 16 दिसंबर जो केवल एक तारीख नहीं है बल्कि खुद में एक इतिहास है। एक राष्ट्र की सबसे बड़ी जीत का दिन, एक राष्ट्र को गौरवान्वित करने का दिन, एक अत्याचारी राष्ट्र के दमन का दिन, एक राष्ट्र की सबसे बड़ी हार का दिन, एक नए राष्ट्र के उदय का दिन। 16 दिसंबर सन 1971 जब विश्व के मानचित्र पर एक नए राष्ट्र का उदय हुआ जिसका नाम था बांग्लादेश। इस कहानी की नींव तो सन 1947 में जब हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था तभी पाकिस्तान के विभाजन की नींव पड़ चुकी थी। पाकिस्तान जो खुद ही दो हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तान बनने के कुछ दिनों बाद से ही राजनीतिक कारणों से पूर्वी पाकिस्तान की जनता पर अत्याचार होना शुरू हो गए थे और फिर धीरे धीरे ये बढ़ते चले गए और 1970 आते आते इन 23 वर्षों में यह अत्याचार इतने बड़े कि पूरे पाकिस्तान में विद्रोह की ज्वालाएं सुलगने लगी। पाक सेना से त्रस्त जनता के विद्रोह के नेता थे शेख मुजीब उर रहमान जिनके अंदर पूर्वी पाकिस्तान की जनता को अपना भविष्य नजर आ रहा। विद्रोह का दमन करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। बस फिर क्या था, पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने बगावत कर दी। उस दिन हालांकि आसमान साफ था, हवाएं भी हल्की हल्की चल रही थी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के कक्ष में जैसे तूफान से पहले वाली शांति छाई हुई थी। प्रधानमंत्री के चेहरे पर चिंता और क्रोध की लकीरें बार बार आ जा रही थी। तभी उनके सचिव टीएन अस्कर ने उनके कक्ष में कदम रखा। यस, क्या समाचार है अस्कर? नहीं मैडम, कोई भी देश हमारी अपील पर ध्यान नहीं दे रहा है। 25 मार्च का नरसंहार जो जनरल टिक्का खान ने पाकिस्तान की धरती पर किया था ना मैडम, उससे नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली की लगातार ताजा हो गई है मैडम, और ये सारे समाचार इंटरनेशनल कम्युनिटी तक ना पहुंचे ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इस सच है मिस्टर हस्कर कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के घरेलू मामलों का नाम देकर इस युद्ध में दखल देने से बचना चाहता है और दूर रहना चाहता है, लेकिन हम तब तक खामोश बैठे और फिर पूर्वी पाकिस्तान वालों का कसूर भी क्या है? वे सदा से उपेक्षित रहे हैं क्योंकि वहां बंदारियों की संख्या ज्यादा है। कहते कहते प्रधानमंत्री जी की आंखों के सामने तमाम दृश्य एक फिल्म की तरह गुजरते चले गए। पाकिस्तान के हुक्मरानों के नापाक जुल्मों की दास्तानों के चित्र। किस तरह हिंदुस्तान के विभाजन के साथ ही जो नरसंहार हुआ उसके चित्र, किस तरह पाकिस्तान में रहने वाले और बचकर या विभाजन के बाद भी अपनी जिद के कारण अपनी जमीन न छोड़ने वाले अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों के चित्र, और कश्मीर में रहने वाले हिंदुओं पर निरंतर किए जा रहे जुल्मों के चित्र। वो मंजर जब 1970 के आम चुनाव में शेख साहब की पार्टी आवामी लीग की जबरदस्त जीत को भी नजरअंदाज कर दिया गया था और सैनिक तानाशाह याहिया खान के द्वारा शेख मुजीब को गिरफ्तार कर जबरदस्ती गद्दी पर कब्जा करने के चित्र। मैडम आप कुछ कह रही थी? कुछ नहीं, सोच रही हूँ कौन सा कदम उठाया जाए। मैडम मेरी राय में तो आप जनरल बारिशों को बुला लीजिए, वो एक अनुभवी ऑफिसर हैं और उनकी सलाह इस मौके पर पूरी तरह से कारगर रहेगी। जनरल मानेकशॉ अपनी दूरदृष्टि के लिए वैसे ही विख्यात नहीं थे। किसी भी सरकारी या राजनीतिक दबाव का उनके सामने कोई मूल्य नहीं था। वे स्वतंत्र चिंतन और निर्णय पर ही विश्वास रखते थे। प्रधानमंत्री ने जब उन्हें बुलाकर पाकिस्तान के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करने की बात की तो उन्होंने स्पष्ट कहा, मैडम मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हमें सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और सच्चाई यह है कि हमारी सेना के लिए अभी अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, इस कारण अभी हम हमला नहीं कर सकते। क्यों, आखिर क्या कमी है? क्या हमारी सेना कमजोर है या उसके पास हथियार नहीं है? सच्चाई यह है कि हमारे पास सिर्फ एक ही हिल डिवीजन है और इसके पास पुल बनाने की क्षमता भी नहीं है, ऊपर से मानसून भी आने वाला है। ओके माने, आई अंडरस्टूड। मैडम वेट एंड वॉच, शायद समय ही हम कर दें।
बीतता जा रहा था। पाकिस्तानी सेना के अत्याचार और मुक्ति वाहिनी का विरोध दोनों को ही जैसे समय अवध रहा, लेकिन जनरल मनीषा वो पूरी तरह से रहे और ये देख रहे थे कि आखिर पाकिस्तान कौन सा कदम उठाता है। भारत की ओर से हक के लिए लड़ रहे थे, मुक्ति वाहिनी की सहायता का क्रम भी जारी था। मानेकशॉ जानते थे कि पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा और उनका ये अनुमान सच भी साबित हुआ। 3 दिसंबर को सूरज ढलते ही पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों ने भारतीय वायु सीमा को पार कर पठानकोट, श्रीनगर, जोधपुर और आगरा के हवाई अड्डे पर बम गिराना शुरू कर दिया। ये युद्ध का खुला ऐलान। चीफ मार्शल मानेकशॉ ने ईट का जवाब पत्थर से देने की नीति अपनाते हुए जेसोर और खुल्ला पर कब्जा कर लिया। युद्ध निरंतर चल रहा था कि 14 दिसंबर को भारतीय सेना ने अपने वायरलेस सेट पर एक गुप्त संदेश दिया। जनरल अरोड़ा के साथ उनकी पत्नी भगवंत कौर भी थी। हालांकि चलने से पूर्व कुछ लोगों ने जनरल को सावधान किया था कि ऐसे माहौल में किसी महिला का जाना क्या उचित रहेगा, जबकि इस युद्ध में महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है। इस पर जनरल के शब्द थे, तो प्रतीक होगा इस बात का कि हम जीते लेकिन हम मानवीय मूल्यों का सम्मान करना भी जानते हैं। एक महिला को वहां ले जाना यह बताएगा कि हम महिलाओं को कितना सम्मान देते हैं। ठाकर इस कोर्ट के मैदान में एक छोटी सी मेज और 2 कुर्सियां जिन पर जनरल अरोड़ा और जनरल नियाज़ी बैठे हुए थे उस ऐतिहासिक क्षण की गवाह बने जिसने एक नए राष्ट्र की गीता थी। एडमिरल कृष्ण, एयर मार्शल देवान, जनरल सरत सिंह और जनरल जेकब पीछे खड़े हुए थे। जनरल अरोड़ा ने जनरल नियाज़ी की तरफ देखा। नियाज़ी की आंखें भीगी हुई थी। सफेद कागज पर टाइप किए हुए दस्तावेज की पन्नियों पर नीले हरफ उभरे थे, AK। ये क्या नियाज़ी, आप पूरे दस्तखत करें, आप फौजी हैं, आपको मालूम ही होगा कि दस्तावेज नंबर दस्तखत कैसे किए जाते हैं। नियाज़ी ने फिर एक बार आकाश की ओर देखा और पूरे हस्ताक्षर कर उनकी आंखों से 2 बूंदें गिरी। कांपते हाथों से उन्होंने अपने बिल उतारे, दीवारों से गोलियां निकाली और जनरल को थमा दी और फिर सर झुकाकर अपने माथे से जनरल अरोड़ा के माथे को छुआ, मानो उनकी अधीनता स्वीकार कर रहे। अंधेरा गिरने लगा था। ये सरेंडर अकेला जनरल नियाज़ी का सरेंडर नहीं था। इसके साथ पाकिस्तान की फौज के 90,000 सिपाहियों ने भी सरेंडर किया। ये वास्तव में हमारी सेना की, सेना के आत्मबल की, सेना के साहस की और सेना की वीरता की बहुत बड़ी विजय है। जनरल नियाज़ी ने जनरल की सूरज डूब चुका था, लेकिन आकाश में डूब रहा था स्वतंत्र बांग्लादेश का राष्ट्र का अमार सोनार बांग्लादेश। हम पर बहुत है, बच्चों पर नहीं है, लेकिन उसने बड़े दिल से जिस काम को किया मैंने उसे बता रहा हूं, अनीशा। मैं इंदिरा गांधी का भी स्वर इन्हीं का था, खास बात यह है। और सूत्रधार नंबर 2 हुई थी।